चलिए आज हम कक्षा 9 के पाठ बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 को हल करते हैं। और इसमें पहला सवाल लेते हैं हम, इसके चार भाग हैं। तो हम पहले सवाल का पहला भाग लेते हैं और इसे हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। और इस चार भाग दिए हुए हैं, अभी पहले हम दो करते हैं फिर अगले में दो करेंगे। तो ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका मान लगाने पर, इस वाले x का मान लगाने पर इसके बराबर हमारा जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हमें क्या मानना है, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स का मान क्या लगाएंगे हम, इसे वन को इधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस का है, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब इस बहुपद में हम इस वाले एक्स का मान लगाएंगे, अगर मान लगाने पर इस इक्वेशन का मान जीरो आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या आता है इसका जवाब। एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह हम लगाएंगे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है तो उसकी जगह माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन क्या हो जाएगा, हमारा माइनस वन आएगा। ये माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का एक आएगा। तो ये प्लस की गुणा माइनस से होगी, क्या आएगा निशान हमारा, माइनस का। और ये प्लस वन हमें दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, माइनस के एक जगह लिखते हैं और प्लस के एक जगह, प्लस का वन यहाँ पर है, प्लस का वन यहाँ है, तो कितने हो गए दो, और माइनस का वन यहाँ है, माइनस का वन यहाँ है, तो कितने हो गए माइनस के दो। तो आंसर क्या आया, दो में से दो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये जो इस वाले भाग का गुणनखंड है, इससे सिद्ध हो गया ये। क्या लिखेंगे हम, हाँ इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब दूसरा भाग करते हैं, ये हमें दिया हुआ, तो ये हमारा दूसरा भाग, इसका एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, पिछले वाले सवाल की तरह करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था, एक्स प्लस वन बराबर क्या मानेंगे, जीरो। तो एक्स का मान क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का एक। तो अब हम इस वाले बहुपद में एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस एक, इसमें जहाँ जहाँ भी एक्स दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम माइनस एक लगाएंगे। तो ये लगाने पर हमारा शून्य अगर आ जाता है, उसका मान शून्य आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। एक्स की घात चार की जगह क्या, एक्स की जगह क्या लगाएंगे, माइनस वन की घात चार, एक्स की जगह क्या लगाएंगे, माइनस वन घात तीन प्लस एक्स की घात दो है तो यहाँ माइनस की घात दो हो जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन। देखिए माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन,
माइनस से माइनस कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया उत्तर हमारा, प्लस का वन। किसी तरह हमारा यह है माइनस वन गुणा माइनस वन गुणा माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वन गुणा वन गुणा वन, तो यहाँ माइनस वन आएगा। अब ऐसे ही वैसे तो ये प्लस ही होगा, ये आपको ही पता है, फिर भी करके दिखा देते हैं। माइनस वन गुणा माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा हल इसका, एक, प्लस का वन। प्लस की गुणा माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन, ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है हमें प्लस वन, तो प्लस के एक जगह कर लेते हैं, माइनस के एक जगह, ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन, प्लस के कितने हो गए थ्री, माइनस वन माइनस वन, माइनस के कितने हो गए दो, तो हमारा उत्तर क्या आया वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा भाग है ये बहुपद, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका नहीं आएगा उत्तर, तो क्या हो जाएगा, नहीं इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, एक्स प्लस वन जो है इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जीरो उत्तर आया नहीं हमारा। तो चलिए तीसरा भाग लगाते हैं, इसमें क्या दिया हुआ हमें, एक्स की घात चार प्लस थ्री एक्स की घात तीन प्लस थ्री एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस वन। तो इसमें क्या करना है हमें, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो ये देखना है, एक्स प्लस वन बराबर क्या मानेंगे हम, एक्स प्लस वन बराबर मानेंगे बराबर जीरो, तो एक्स उधर ले इधर रह जाएगा, इधर प्लस का वन है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो ये वाला बहुपद उतारेंगे हम, एक्स की घात चार प्लस थ्री एक्स की घात तीन प्लस थ्री एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस वन। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद में x का मान क्या लगाना है, माइनस वन, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस वन लगा देंगे, तो यहाँ x की घात चार है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की घात चार प्लस तीन, x की घात कितनी है तीन, तो क्या लगाएंगे यहाँ, माइनस वन x की जगह, x की घात कितनी हो गई तीन, इधर तीन है और x की घात कितनी है दो, यहाँ पर x की जगह माइनस वन लगाएंगे, की घात दो लगाएंगे, यहाँ पर x है तो क्या लगा देंगे, माइनस वन, प्लस वन दिया हुआ है, तो ऐसे ही ये माइनस वन की घात चार क्या हो जाएगा, ये प्लस का वन आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वन की घात तीन है, तो यहाँ पर साइन काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि तीन बार माइनस बचेगा, माइनस से माइनस की गुणा होगी तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का साइन आया बचेगा, तो ये पहले यहाँ लगा लेंगे, तो ये तीन है, तीन गुणा एक तीन ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस वन की घात दो है तो क्या निशान आएगा हमारा, प्लस का, क्योंकि ये दो बार गुणा होगी माइनस से माइनस की, तो कितना प्लस हो जाता है वो, तो तीन की एक के साथ में होगी तो क्या हो जाएगा तीन, ये प्लस की गुणा माइनस से होगी, क्या आएगा निशान हमारा, माइनस का, ये हो गया प्लस वन। तो प्लस के एक जगह कर लेंगे और माइनस के एक जगह, प्लस का वन प्लस का तीन, तीन और एक चार और एक पाँच, अब माइनस के लिखेंगे तीन और एक चार, तो उत्तर क्या आया हमारा एक। तो इसको, इसका गुणनखंड होने के लिए
हमारा मान क्या आना चाहिए था, जीरो, तो जीरो आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। उत्तर क्या आएगा, नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। एक्स प्लस वन जो है इसका गुणनखंड नहीं है। अब सवाल नंबर इसका चौथा भाग लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम, एक्स इसमें क्या दिया हुआ है हमें बहुपद, एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणा में एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन बराबर क्या मानेंगे, जीरो। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वन आएगा। तो इस वाले बहुपद में हम एक्स का मान माइनस वन लगाएंगे, जहाँ जहाँ भी एक्स दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम माइनस वन लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर एक्स की घात 3 दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, माइनस वन एक्स की जगह 3 घात चढ़ा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस है, ब्रैकेट शुरू है, 2 प्लस अंडर रूट 2 है, और ये एक्स दिया हुआ है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस वन प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है, ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें कहीं भी एक्स नहीं है। तो आपको पता है माइनस वन का इसकी घात 3 का क्या मतलब होता है, माइनस वन आएगा उसका हल करने पर, आपको पहले भी दिखाया था। और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन आता है। तो अब ये बाहर माइनस दिया हुआ है, माइनस की प्लस गुणा होगी तो निशान का कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस से होगी, निशान माइनस का रहेगा, अंदर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस की गुणा होगी, क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या आएगा, जब ब्रैकेट खोल देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये अंडर रूट 2 दिया हुआ है तो प्लस एक जगह कर लेंगे, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, और ये माइनस एक जगह कर लेंगे, माइनस वन कितना हुआ, माइनस का 2। तो ये क्या आया हमारा उत्तर, 2 से 2, 2 में से 2 गया माइनस का, कुछ भी नहीं बचेगा, तो उत्तर क्या आया हमारा, 2 अंडर रूट 2। अब देखिए इसका हल करने पर हमें 0 नहीं मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, नहीं, यह नहीं, इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए अब हमने इसके पहले वाले सवाल के चार भाग है और चारों लगा लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगाएंगे।